गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर एसएलएस स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 36 ऑफ इंग्लिश क्लास 4. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट नंबर 12 एंड टुडे वी विल स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 30. दैट इज रिलेटेड टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. So, dear student, you will open your book page number 55 and you will write date and CA. Today's date is 10th August and the day is Monday. ठीक है, आप लोग write करेंगे. और unit number है हमारा, topic है reflexive pronouns. जी बच्चों, pronouns basically क्या होते हैं? Already आप grammar के अंदर भी ये read कर चुके हैं कि pronouns are the words that used इन प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन की प्लेस पर यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं. और उन प्रोनाउन्स में क्या होता है, ही फॉर द बॉय और मेल, शी फॉर द फीमेल और द लेडी, एंड इट फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, इसी तरह हम दे फॉर द प्लूरल, ठीक है, चाहे वो मेल्स हों, बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, तो उनके लिए हम दे यूज़ करते हैं वो. ठीक है, तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो हम नाउन प्लेस पर यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं. लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं उसके लिए हम पहले रीड करेंगे. ये प्रोनाउंस से ही रिलेटेड हैं और ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं ये आप आज इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे. पहले हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ. हु मेड, आपने एक, अगर आप इस पिक्चर को देखें, एक बच्चे ने पेपर प्लेन जो है वो बनाया हुआ है और क्वेश्चन इज दैट हु मेड दिस पेपर एरोप्लेन. हु, किसने बनाया इस पेपर एरोप्लेन को? द आंसर विल बी आई मेड इट माई सेल्फ. देखें, आई मैंने अपने नाम की जगह यूज़ किया, इट मैंने किसके लिए यूज़ किया, एरोप्लेन के लिए, और माई सेल्फ जो है वो मैंने अपने आप के लिए यूज़ किया. ये बच्चा जो कह रहा है कि आई मेड इट माई सेल्फ, आई मैं खुद, ने मैंने यूज़ नहीं किया, अपने नाम की जगह मैंने यूज़ किया आई, प्लेन की, एरोप्लेन के लिए मैंने यूज़ किया एट, और माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो मैंने अपने आप के लिए यूज़ किया. तो आई के लिए आई इज़ अ प्रोनाउन और आई से रिलेटेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ. आई मेड इट माई सेल्फ, मैंने खुद बनाया. नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें तो कुछ बच्चे जो हैं वो फ्लावर्स जो हैं वो होल्ड किए हैं अपने हैंड्स में. ठीक है, और हु प्लक दीज फ्लावर्स, क्वेश्चन इज दैट हु प्लक दीज फ्लावर्स, किसने तोड़े ये फ्लावर्स. अब ये बच्चे दो हैं, ठीक है, दोनों बच्चे हैं, अपने नाम शो नहीं कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं वी प्लक दीज फ्लावर्स अवर सेल्व्स. ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए, और ये मौजूद भी हैं. ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि वी, ये बच्चे दोनों अपने आप नाम के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, वी. ठीक है, इन्होंने नाम शो नहीं किया, तो वी इज़ अ प्रोनाउन. वी प्लक दीज फ्लावर्स अवर सेल्फ, वी से रिलेटेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ. ये दोनों बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने ये खुद तोड़े हैं. ठीक है, यानी कि सेल्फ को जहाँ आपने शो करना होता है उसके लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो यूज़ करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. हु कट, एक लेडी हैं जो कि हर्ट कर चुकी हैं अपनी फिंगर को और कट लग चुके हैं उनके. और हु कट द आंट्स फिंगर, किसने आंट की फिंगर जो है वो कट की. अब लेडी हैं वो, उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्या, शी का प्रोनाउन. शी कट हर सेल्फ व्हेन शी वाज कटिंग एन ऑनियन, उनसे खुद कट लगा जब वो ऑनियन की कटिंग कर रही थी. ठीक है, शी यूज़ किया हमने नेम की प्लेस पर क्योंकि ये लेडी हैं, और शी से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, उनने खुद उनसे कट लगा. अगले पिक्चर में आप अगर देख रहे हो तो एक बच्चा है जो कि बाइसिकल जो है वो वॉश कर रहा है. ठीक है, और इस बच्चे का नाम नूर है. आंसर क्वेश्चन इज हु वॉश नूर्स बाइसिकल, कौन धो रहा है जी नूर की बाइसिकल को. अगर पिक्चर पे आप देखें तो नूर खुद ही धो रहा है. ठीक है, तो अब नूर के नेम की प्लेस के लिए हमने क्या यूज़ किया, ही. ठीक है, ही वॉश्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट रिलेटेड टू द ही. ठीक है, ही वॉश्ड हिमसेल्फ, वो खुद धो रहा है जी, वो अपनी अपने काम खुद कर रहा है. अच्छे बच्चे खुद काम करते हैं ना, तो यहाँ पर भी नूर जो है अपना काम खुद कर रहा है और अपनी बाइसिकल को खुद वॉश कर रहा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. कुछ
बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं जो कि जो हैं वो सैंड से कुछ हाउसेस जो हैं वो बीच के ऊपर बना रही हैं। देखें ठीक है, पीछे आपको जो बीच का आपको सीन जो है वो शो हो रहा है, और देखें और बच्चियां जो हैं वो सैंड से हाउसेस जो हैं वो बना रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज डिड द गर्ल्स मेड सैंड हाउसेज देमसेल्व्स। अब ये गर्ल्स क्योंकि दो हैं और ये प्लूरल को शो कर रही हैं, तो हमने नाम की जगह हमने क्या यूज़ किया, दे। Did the girls make sand houses themselves? क्या बच्चियों ने खुद बनाए हैं? Yes, they made the sand houses themselves. अब they जो है इन बच्चियों के नाम की जगह पर यूज़ हुआ है, ठीक है? तो हर वो वर्ड्स, हर वो जो नाउन की प्लेस पर, नाम की जगह पर हम यूज़ करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन जो सेल्फ को शो करेगा, उन बच्चियों ने खुद बनाया, जहाँ खुद का कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे आप अपना होमवर्क है आप खुद कर रहे हैं, ठीक है, योर सेल्फ, तो ऐसे ही जो खुद को शो करने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। मिस्टर एंड मिसेस जवाद आर गोइंग आउट टुगेदर टू बाय समथिंग। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस जवाद जो हैं वो कुछ बाहर लेने के लिए जा रहे हैं, एंड दे आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू द चिल्ड्रन। वो बच्चे जो हैं वो बच्चों को सिर्फ खुदाफिज कह रहे हैं, ठीक है, और चिल्ड्रंस वी आर गोइंग आउट एंड जस्ट कम बैक इन एन आवर। बच्चों हम कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहे हैं और एक घंटे में अभी वापस आ जाएंगे। डू योर होमवर्क योर सेल्फ, अपना काम आप खुद करिएगा। योर सेल्फ, यू है योर, योर से योर सेल्फ, ठीक है। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, ओके मैम, मॉम एंड डैड, ठीक है अम्मी अबू, वी कैन डू आवर होमवर्क आवर सेल्फ। ये अच्छे बच्चे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि हम अपना काम खुद करेंगे। वी अब बच्चों के नाम की जगह यूज़ हुआ, नाम नहीं शो हो रहा ना, तो वी और वी जो है आवर सेल्फ जो है वो खुद को शो करने के लिए आवर सेल्फ हो गया। वी कन्वर्ट हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्फ, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो अपने मम्मी पापा को अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वी डू आवर होमवर्क आवर सेल्फ। लेट्स मूव टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चार्ट। बच्चों ये आप लर्न भी करेंगे और आपको, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप ऑलरेडी जो हैं वो ग्रामेट्री के यूनिट के अंदर भी पढ़ चुके हैं। आई अगेन रिपीटेड, फर्स्ट पर्सन शो जो हैं वो सेल्फ के बारे में होते हैं, अपने आप के बारे में होते हैं। सेकंड पर्सन जो है वो जो पर्सन प्रेजेंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल यू जो प्रेजेंट होता है, सॉरी, उसके बारे में यू बोले जाते हैं, यू योर, ठीक है, आपका तुम्हारा, जो हमारे सामने है हम उसको मुखातिब कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हो, तुम, यू योर, आपका। थर्ड पर्सन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो कि जो पर्सन प्रेजेंट्स नाम, फॉर एग्जांपल वो, ही इज़ एब्सेंट, शी इज़ इल, वो। अब हम एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट नहीं है, वो के नाम भी हमने यूज़ नहीं किया, इट, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सेल्फ, सेकंड पर्सन जो हैं जो प्रेजेंट के बारे में बोले जाएंगे, और थर्ड पर्सन जो हैं जो जो गायब या एब्सेंट लोगों के या एब्सेंट चीज़ों के बारे में हम जब बात करेंगे तो उनके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई कन्वर्ट माई सेल्फ, और उसका प्लूरल होता है अवर, प्लूरल में, और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में तो अवर सेल्फ्स, ठीक है। यू योर सेल्फ एंड योर सेल्फ, बच्चों आप देखेंगे यू जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ के साथ होगा, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में हो जाए तो सेल्व्स हो जाएगा। एफ़ का रूल आपको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करने का आपको माइंड में होगा कि एफ कन्वर्ट रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर प्लूरल फॉर्म करने के लिए वी एस यूज़ कर देते हैं। इसी तरह ही हिमसेल्फ में, शी हर सेल्फ में कन्वर्ट होगा, इट इट सेल्फ में कन्वर्ट हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, और दे जो है वो देम सेल्फ, ये दे क्योंकि प्लूरल फॉर्म को शो करता है इसलिए सेल्फ नहीं होगा, बल्कि एफ रिमूव होकर उसकी जगह पर वी ई एस यूज हो जाएगा, देम सेल्व्स हो जाएगा। लेट्स मूव टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो एक्टिविटी है उसकी तरफ, ठीक है। यूज़ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है जी। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स जो हैं उस वक्त यूज़ किए जाते हैं जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स हैं वो एंड पे यूज़ होते हैं, लेकिन समटाइम जो है हम उसको स्टार्ट में भी जो है वो प्रोनाउन के बाद भी यूज़ करते हैं। एक्टिविटी आपने कंप्लीट करनी है, एक्टिविटी नंबर बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने ये राइट करने से पहले आप सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि आपका प्रोनाउन क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस इज शी बर्न डैश कुकिंग द डिनर।
प्रोनाउन यूज हो रहा है जी शी, शी कन्वर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को जला लिया कुकिंग करते हुए खुद। मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद के लिए, सेल्फ के लिए यूज होते हैं। सेकेंड, दे आर लुकिंग एट, यहाँ यूज हो रहा है जी दे प्लूरल को शो कर रहा है, तो दे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देमसेल्व्स में। दे आर लुकिंग एट देमसेल्व्स इन द मिरर, वो खुद को देख रहे थे किसमें, देख रहे हैं मिरर में, ठीक है। ही क्लीन्स हिज रूम, ही यूज क्या हुआ है, ही कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, हिमसेल्फ, ठीक है। ही क्लीन्स हिज रूम हिमसेल्फ, ही कन्वर्ट हो गया हिमसेल्फ में। आई ड्रॉ दिस कार्टून, यहाँ यूज हुआ है क्या प्रोनाउन, आई कन्वर्ट इन टू माई सेल्फ, यानी कि आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए प्रोनाउन से ही आपको हिंट जो है वो मिल जाता है फिल इन दी ब्लैंक्स को राइट करने के लिए। वी कैन रो अ बोट डैश, यहाँ यूज हुआ है क्या प्रोनाउन, वी, हम खुद जो है वो रो करते हैं बोट को। वी कन्वर्ट इन टू आवर सेल्फ, जब हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में करते हैं। You will do your homework, you, अब यहाँ yourself, अगर यहाँ ये yourself भी हो सकता है और self भी, दोनों हो सकते हैं। अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है you, तो self होगा, और अगर yours जब हो जाएगा तो वो selves, V-E-S भी हो सकता है, यानी कि इसमें दोनों जो हैं वो options ठीक हो सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। नंबर सेवन, बाबर एंड अकबर कैरेट द बॉक्स डैश, अब बाबर एंड अकबर दो लोग हैं, यानी कि ये प्लूरल को शो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इनके नेम के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे, तो दे कन्वर्ट इनटू देमसेल्व्स। बाबर एंड अकबर कैरेट द बॉक्स देमसेल्व, बाबर और अकबर ने खुद उठाया वो बॉक्स, ठीक है। यू विल डू योर होमवर्क योर सेल्फ, खुद करोगे तुम अपना काम। वी कैन रो अ बोट अवर सेल्फ, हम खुद जो है वो बोट को रो करेंगे, चलाएंगे। आई ड्रॉ दिस कार्टून माई सेल्फ, मैं खुद जो है वो कार्टून ड्रॉ करूंगा। ही क्लीन्स हिज रूम हिमसेल्फ, वो खुद अपना रूम साफ करेगा खुद के लिए। दे आर लुकिंग, उन्होंने वो खुद देख रहे थे अपने आप को मिरर में, और उसने अपने आप को जलाया कुकिंग करते हुए सेल्फ खुद। तो ये बच्चों था आज का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड टॉपिक, और आपने ये टेबल जो दिया गया है आपने उसको याद भी करना है और एक्टिविटी भी लर्न भी करनी होगी ये वाली, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।